लव एवरीवन, आई एम रोबिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ जो इंग्लिश, जिसको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है और कंटिन्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, वो है इंग्लिश की पार्ट ऑफ स्पीच। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, तो चलते हैं वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं वीडियो में विद पार्ट ऑफ स्पीच। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारी इंग्लिश की मेन सीडी है, जो कि इंग्लिश के लिए बहुत ही जरूरी है, पार्ट ऑफ स्पीच। आज का टॉपिक है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का। कंटिन्यू इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच, हिंदी शब्द भेद। तो फ्रेंड समझिए, देखिए शब्दों की स्थिति एवं कार्य के अनुसार, शब्दों की स्थिति एवं कार्य के अनुसार आठ भागों में बांटा गया है। इसको पार्ट ऑफ स्पीच को हमारे को आठ भागों में बांटा गया है। कैसे? जिसे शब्द भेद पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है, राइट? ओके, तो आठ वो नेम्स क्या है जिनमें इस पार्ट ऑफ स्पीच को बांटा गया है, वो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अब देखिए एक एक करके। नंबर वन है नाउन, जिसको बोलते हैं संज्ञा, राइट। सेकंड है प्रोनाउन, इसको बोलते हैं सर्वनाम। एडजेक्टिव है विशेषण, ठीक है, किसी के बारे में कोई बात करना, आप पूछे कि इसमें ऐसी क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव विशेषण, ठीक है। वर्ब क्रिया, फिफ्थ है हमारा एडवर्ब क्रिया विशेषण। सिक्स नंबर है हमारा, ये देखिए प्रीपोजिशन, इसको बोलते हैं संबंधवाचक वाक्य। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखे हुए हैं जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, मुझे फीडबैक बताइए मुझे कि मैं और इससे बेटर वीडियो आपके लिए कैसे बना सकता हूँ। मुझे बताइए क्या चीज़ समझ में नहीं आई और मैं ज़्यादा अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और आप लेक्चर मिस ना करें, राइट। तो मुझे फीडबैक दीजिए अपना कि मैं और आपके लिए किस तरह की बेटर वीडियो बना सकता हूँ जिससे कि आपको बेटर समझ में आए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कोई डाउट प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट है हमारा सेवन कंजक्शन, जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज करते हैं या किसी दो शब्द को जोड़ने के लिए दैट का यूज करते हैं, कंजक्शन, राइट। ये कंजक्शन, इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक। एट है हमारा इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक। तो इसी तरह से हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के ये जो है ये आठ नेम्स है, राइट, देख सकते हैं आप इसको। और तब भी आप वीडियो देखें तो अपनी डायरी और पेन जरूर लेकर बैठें, जो भी समझ में आए वीडियो को पॉज करें, उसको राइट डाउन अपनी डायरी में करें और कंटिन्यू वीडियो कर दें, स्किप ना करें वीडियो को। अगर शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तभी आपके समझ में आएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब इन आठ जो लिखे हुए हैं हमने, सबसे पहला था हमारा नाउन, संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके चार प्रकार होते हैं, जो हमारा नाउन है उसके चार प्रकार होते हैं। और इसकी डेफिनेशन जो है, किसी व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, राइट। नंबर वन है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन देखिए, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो नाउन का हमारा फर्स्ट नंबर है वो है प्रॉपर नाउन। तो जिससे व्यक्ति या स्थान का विशेष का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जांपल देखिए, राम, मोहन, सीता, इंडिया। अब देखिए ये हमारा, हमने क्या बताया इसमें, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान।
अब देखिए इसमें जो हमारा व्यक्ति कौन है, राम मोहन सीता, और हमारा इसमें स्थान है क्या है, हमारा इंडिया। एक स्थान तो पूरा कंट्री तो हुई हमारा, अब कोई एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे कहीं पे तो वो हमारा स्थान ही तो हुआ। तो इसमें प्रॉपर चीज बताई जा रही है कि नाम और स्थान वस्तु व्यक्तिवाचक संज्ञा में, तो इसे एक्सेट्रा प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा, यू नो जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देखिए, जिसे जिससे जाति का बोध हो उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। एग्जाम्पल देखिए, बॉयज इंसान है, गर्ल्स इंसान है, हाउस ये हमें नहीं पता कि क्या चीज बनी हुई है, बट इसके इंसान बॉयज गर्ल्स दोनों इंसान है, बट हमें इनकी जाति कैसे पता लगेगी, क्या आपको पता है ये लड़की है, इंसान तो है बट गर्ल्स है, लड़का है, तो हमें इनकी जाति का पता चला। और जो ये जो बना हुआ है हमारे सामने हाउस, तो इसे बताएंगे हम घर, तो इसका मतलब इसकी जाति भी ये घर है, लड़का लड़की, कॉमन नाउन, राइट, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए हमारा कलेक्टिव नाउन, समूह वाचक संज्ञा, जिससे समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं, हम कलेक्टिव नाउन। अब एग्जाम्पल देखिए, क्राउड भीड़, समूह बन रहा भीड़ का, आर्मी, आर्मी तो बहुत है सारी, एक सिंगल तो नहीं कह सकते ना, तो इसमें समूह का पता लग रहा है, राइट। फैमिली, फैमिली में भी एक मेंबर्स नहीं होता, फैमिली पूरा हुआ मतलब बहुत ज्यादा हुआ, तो टीम बन रही है इसमें, फैमिली की भी और टीम की भी, देखिए टीम में भी बहुत सारे होते हैं, तो इन चीजों का समूह बन रहा है, तो इससे क्या पता लगता है, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, जिसे समूह का बोध होता हो, जिससे समूह का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, क्राउड, आर्मी, फैमिली, टीम। इसी तरह से देखिए, ये नाउन का था हमारा फर्स्ट, नाउन का प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक। कलेक्टिव नाउन से आगे पढ़ते हैं हम, ठीक, तब तक आप इसे देखिए, देखिए वीडियो को पॉज करिए, समझिए ध्यान से, राइट डाउन करिए अपनी डायरी में, तो कॉमन नाउन से आगे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कलेक्टिव नाउन से आगे का ये टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये पार्ट ऑफ स्पीच का ही है, नाउन के जो चार प्रकार बताए थे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होती है, जिससे किसी भाव का बोध होता हो, देखिए काइंडनेस दयालुता होती है, ऑनेस्टी ईमानदारी चाइल्डहुड बचपन, राइट, ये इनकी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है जेंडर, जेंडर इस चार के नेक्स्ट जो है हमारा फिर सता है जेंडर, लिंग, जिससे उससे पता लगता है कि अंग्रेजी में चार लिंग होते हैं, मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, वोमन जेंडर और हमारा नेचर जेंडर, ठीक। अब देखिए जेंडर होता क्या, मास्कुलिन जेंडर होता क्या, पुल्लिंग, जिससे किसी पुरुष का बोध हो, जिससे किसी पुरुष का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, मास्कुलिन जेंडर, जैसे मैन, मैन पुरुष है, सन ये भी पुरुष है, फादर्स ये भी पुरुष है, ठीक, मदर तो नहीं हो सकती ना, ओके। फैमिली जेंडर, इसको फीमेल भी बोल सकते हैं, स्त्री लिंग, जिससे किसी स्त्री का बोध होता हो उसे क्या बोलते हैं, फैमिली जेंडर। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल देखिए, मदर फैमिली जेंडर है ना, फीमेल है ना, स्त्री है, सिस्टर हमारी क्या है, वो भी स्त्री है, आंट चाची बोलते हैं वो भी हमारी स्त्री है, राइट। नेक्स्ट है हमारा कॉमन जेंडर, ये जेंडर की बात चल रही है हमारे यहाँ पे, तो नेक्स्ट है हमारा कॉमन, मास्कुलिन फेमिनी और कॉमन जेंडर, ये है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब उभयलिंग, जिससे पुरुष, देखिए मैंने ये पुरुष लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिख दिया है, पुरुष में लिखा मैंने पूरा ये, इसे मैंने जीरो, ठीक है ये पुरुष है, इसमें कंफ्यूज हो, पुरुष है, पुरुष स्त्री दोनों का बोध होता हो, अब जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो तो उसको क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। देखिए चाइल्ड बच्चा है, लड़की भी बच्ची हो सकती है, बॉयज भी बच्चा हो सकता है, राइट। स्टूडेंट्स है, लड़की भी स्टूडेंट्स हो सकती है, होती है और हो सकती है, नहीं होती है सॉरी, और बॉयज भी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक। बेबी, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। पेरेंट्स, पेरेंट्स मदर फादर दोनों का पता चल रहा है, पेरेंट्स मिला का, एक तो पेरेंट्स नहीं बन सकता ना, फादर या मदर दोनों को बोलते हैं ना पेरेंट्स, तो हो रहा ना यहाँ पे, जिससे पुरुष और स्त्री दोनों का बोध हो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर, राइट, इज दैट क्लियर। फोर्थ हमारा नेचर जेंडर,
नपुंसक लिंग जिससे स्त्री पुरुष किसी का बोध न होता हो, उसको क्या बोलते हैं, निर्जीव बोलते हैं, जिसे निर्जीव उसको नेचर जेंडर बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल के देखिए, सामान्यतः इसमें निर्जीव या समूहवाचक संज्ञाएं आती हैं, निर्जीव जो मतलब कि बोल नहीं सकती, जैसे कि चेयर, बुक, क्राउड, ट्री, रूम। देखिए चेयर भी निर्जीव है, बुक भी निर्जीव है, क्राउड मतलब क्राउड और ट्री रूम ये मतलब ये बोल तो नहीं सकते, बट ये क्राउड भीड़ को कहते हैं, ठीक। तो लेकिन ये समूह की भी बात हो रही है इसमें, इसमें लिखा हुआ ना समूह वाचक संज्ञाएं आती हैं, तो ये इसमें समूह क्राउड है तो भीड़ बहुत सारों की होती है, ट्री है, पेड़ है, निर्जीव है, रूम है, कमरा भी बोल नहीं सकता, कमरे बहुत सारे हो सकते हैं, समूह की भी बात आ रही है, ठीक। इसमें समूह की भी और निर्जीव की भी बात आती है, तो ये है हमारा नेचर जेंडर, ठीक। अब ये देखिए समझ लीजिए इसको, जो भी चीज़ समझ में ना आए मुझे कमेंट करिए या मुझे सजेस्ट दीजिए, मैं आपको अच्छी और बेटर वीडियो बना के दूंगा। अपनी डायरी में राइट डाउन करिए, समझिए, वीडियो को पोस्ट करिए, स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखिए, तभी आपके बेटर समझ में आएगा, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि ना जानने वाले भी बेटर समझे। और मुझे बताइए कमेंट करके कि मैं वो इससे अच्छी वीडियो आपके लिए कैसी बना सकता हूँ, किस प्रकार बना सकता हूँ इससे और बेटर, जिससे आपको बेटर समझ में आए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं आने वाली अपनी वीडियो अपलोड करूँ, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम से, और आप एक भी लेक्चर मिस ना हो। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, एंड टेक केयर, बाय बाय। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।